आखिर भगवान श्री कृष्ण का मित्र होते हुए भी सुदामा इतने गरीब क्यों थे? एक समय एक गरीब ब्राह्मणी वासुदेव का नाम जपकर और भिक्षा से मिले अनाज को खाकर अपना गुजारा करती थी। एक बार उसे 5 दिनों तक भोजन नहीं मिली, इसीलिए वह रोजाना सिर्फ पानी पीकर ही सो जाती थी। 6ठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले, जिसे वह अगली सुबह प्रभु को भोग लगाकर खाने वाली थी। लेकिन रात में कुछ चोरों ने चने को सोने की मोहर समझकर चुरा लिया। उनकी आवाज से ब्राह्मणी जाग गई और उनका शोर सुनकर गांव वाले उनके पीछे भागे। तब चोरों ने हड़बड़ाहट में वह पोटली सांदीपनी आश्रम में छोड़ दिया। उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो उन चनों को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। अगले दिन झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वह चने की पोटली मिली। जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे, तब गुरु माता ने वह पोटली सुदामा को देते हुए कहा कि भूख लगने पर दोनों इसे मिल बांट कर खा लेना। ब्रह्मज्ञानी होने के कारण सुदामा के हाथ में पोटली आते ही वह सब समझ गया। तब उन्होंने सोचा कि यदि वह इन चनों को श्री कृष्ण को खिला दिया तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी, इसलिए वह सारे चने खुद ही खा गए, जिसके कारण वह खुद निर्धन बन गए। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।